दुनिया भर से करीब 70 लाख लोग दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल को देखने आते हैं। ताजमहल को मोहब्बत की निशानी भी कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल के ऊपर से हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ते हैं? हो सकता है आपको सुनने में ये थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन ताजमहल के ऊपर से हवाई जहाज नहीं उड़ते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सच है दोस्तों। आपको बता दें कि ताजमहल के 7.5 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत सभी तरह के हवाई जहाजों को उड़ाने पर रोक लगी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम विनोद यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना सरल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल, जहां आपको आपके इतिहास से रूबरू कराया जाता है और साथ में ही अद्भुत और रोचक जानकारियों से अवगत कराया जाता है। ताजमहल के ऊपर सभी तरह के हवाई जहाज नहीं उड़ते हैं और इसके पीछे कारण है कि यह एक नो फ्लाई जोन है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह नो फ्लाई जोन क्या होते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी देश का ऐसा क्षेत्र या जगह जहां पर हवाई जहाजों को उड़ाने की परमिशन नहीं होती है, उसे नो फ्लाई जोन कहते हैं या फिर एयर एक्सक्लूशन जोन कहा जाता है। और इसमें कई ऐसी भी जगह होती है जहां की भौगोलिक परिस्थितियां जो होती हैं वो हवाई जहाज उड़ाने के लिए बिल्कुल सही नहीं होती है, तो ऐसी जगहों को भी नो फ्लाई जोन में रखा जाता है। इसके अलावा कई बार किसी क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा देने के लिए या फिर युद्ध जैसी परिस्थितियों में किसी भी जगह को और उस एरिया को सुरक्षित रखने के लिए भी सरकार उस एरिया को नो फ्लाई जोन घोषित कर देती है। ऐसी ही सुरक्षा की दृष्टि से कुछ इमारतों को भी नो फ्लाई जोन में रखा जाता है, जैसे कि राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है और प्रधानमंत्री का जो आवास होता है उसको भी नो फ्लाई जोन में रखा जाता है। आपको साथ में ये भी बता दूं दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा 2006 में एक कानून पारित कर ताजमहल की सुरक्षा के लिए इसे नो फ्लाई जोन में रख दिया था, और जिसके अनुसार ताजमहल के 7.5 किलोमीटर के क्षेत्र में किसी भी तरह के हवाई जहाज के उड़ाने पर रोक लगा दी थी। तो बस यही कारण है कि जिसकी वजह से ताजमहल के ऊपर से हवाई जहाज को नहीं उड़ाया जाता है। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ताजमहल के ऊपर से हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ते हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे सभी वीडियो की तरह ये वीडियो भी पसंद आई होगी। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट में बता सकते हैं, और ऐसी ही वीडियो देखना अगर आपको पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।